आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बार फिर सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिला है। बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि सब्जी के दामों में एक बार फिर उछाल हुआ है। दुकानदारों ने बताया कि पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो एक हफ्ते पहले सब्जी सस्ती थी, लेकिन आज की बात की जाए तो सब्जी के दाम काफ़ी महंगे हैं। जैसे कि टमाटर पिछले दिनों 20 रुपये किलो थे, जबकि अब टमाटर 100 रुपये किलो पहुँच गए हैं। वहीं गोभी के रेट में भी महंगाई हुई है और आलू प्याज मिर्च के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ऐसे में जहां एक तरफ दुकानदार परेशान है तो वहीं ग्राहक भी सब्जी के दाम बढ़ने से परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि महंगाई बढ़ने से दुकानदारी पर भी खासा असर पड़ता है, क्योंकि ग्राहक रेट सुनते ही खामोश हो जाते हैं और पूछते हैं कि पिछले दिनों टमाटर 20 रुपये किलो थे तो आज अचानक 100 रुपये किलो, एकदम से इतनी महंगाई आखिरकार कैसे हुई? क्योंकि बरसात जगह जगह हो रही है, जिसकी वजह से सब्जी के दामों में बढ़त दर्ज की गई है, और अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो लोगों के रसोई का बजट बिगड़ सकता है। क्या नाम आपका? हिमांशु। हिमांशु, बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में हो, अगर एक हफ्ते पहले के रेट की अगर बात की जाए तो क्या रेट थे और अब फिलहाल क्या रेट है सब्जियों के? अभी तो बहुत पहले बहुत कम थे, अब ज़्यादा है। ज़्यादा हो गए, क्या कारण है जो सब्जी महंगी हुई है कमी? ये बता नहीं कि बारिश की वजह से हुई है। अच्छा, क्या क्या महंगा हुआ, क्या क्या सब्जी बेच रहे हो आप? टमाटर है, घिया है, ससरी है, आमी है, पेठा है, करेला है। तमाम सब्जियों की बात की जाए तो सारी सब्जियों के रेट बढ़े? नहीं, सारी के लिए कुछ कुछ सब्जियों के रेट बढ़े। तो सब्जी महंगी हो गई तो क्या दुकानदारी पे पूछा जी आपका? मेरा नाम श्याम है। श्याम जी, बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में हो आप, तो सब्जी बेच रहे हो, तो अगर एक हफ्ते पहले सब्जी की अगर बात की जाए तो क्या रेट है और आज क्या रेट है? एक हफ्ते पहले रेट देखे जाएँ तो पहले से काफ़ी महंगाई हो गई है। आज से 4 दिन पहले टमाटर का रेट 40 रुपये किलो था, आज 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो। हाँ, और गोभी के बारे में बात करेंगे तो हम गोभी का रेट था